वेलकम बैक। तो हम लोग संस्कृत वर्णमाला स्टार्ट किए थे, उससे पहले हम लोग ने त्रयमुनि का वर्णन देखे थे। त्रयमुनि आचार्य को कभी नहीं भूलना है। त्रयमुनि आचार्य कौन कौन थे? सबसे पहले पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्याय लिखे, फिर कात्यायन आचार्य जिन्होंने वार्तिक सूत्र लिखा, और फिर पतंजलि आचार्य जिन्होंने महाभाष्य लिखा, और उसके अलावा दो आचार्य भट्टोजी दीक्षित जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी, और भरद्वाज जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी। उसके बाद हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्वर किए थे। स्वर में बेसिकली देखो, स्वर के तीन प्रकार, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, और फिर संयोग स्वर और अव्यवह। ठीक है, तो सारे स्वर याद रखने के लिए अपने को महेश्वर सूत्र के पहले चार लाइन याद रखने हैं। अ ई ऊ न रु लु का ए ओंगा ऐ औचा। ठीक है, तो स्वर हो गया हम लोग का, और आज हम लोग देखेंगे व्यंजन। तो महेश्वर सूत्र के जो रिमेनिंग 10 सूत्र हैं ना, वो व्यंजन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग व्यंजन नॉर्मली करते हैं, फिर हम लोग महेश्वर सूत्र भी याद करेंगे। ठीक है, देखो बेसिकली हम लोग जब नॉर्मली स्टडी करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि टोटल 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते हैं व्यंजन में, प्लस 25 वर्ण। सबसे पहले चीज़ याद रखो, जब भी आप कोई व्यंजन लिखते हैं ना, तो आपको नीचे ये हलंत्यम बनाना ज़रूरी है। देखो ये क है, उसके नीचे ये हलंत्यम, तो ये हलंत्यम बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो आप, ये क है, ख है, तो जब आप व्यंजन लिख रहे हो सिर्फ, तो ये नीचे का हलंत्यम बनाना। देखो यहाँ पर इन्होंने हर एक के नीचे लिखा है, क ख ग घ, देखो ड च छ ज झ नी ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, फिर य र ल व श। देखो श मैंने लाना भूल गया, तो श के में आप डाल दो, श श स ह श त्र नी। ठीक है, तो हर एक के अंदर ना वो डालना ही रहता है। ठीक है, ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं, हम लोग को आज ये व्यंजन ही करने। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, व्यंजन के 25 वर्ण होते हैं। देखो 5 वर्ग होते हैं, देखो ऐसे लिखो, 5 वर्ग होते हैं और 25 वर्ण होते हैं, मतलब उनके 5 ग्रुप होते हैं और उनके टोटल 25 वर्ण, उसमें 25 लेटर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो पहला वर्ग है वो है क वर्ग। जो फर्स्ट लेटर रहता है, जो फर्स्ट वर्ण रहता है, हम उसी से उस वर्ग का नाम देते हैं। तो अभी से क वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब क ख ग घ अंग वाला निय, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क वर्ग। तो क ख ग घ अंग, उसके बाद च वर्ग। तो च वर्ग में पहला क्या रहेगा, च च छ ज झ निय। ठीक है, फिर ट वर्ग, ट ठ ड ढ न। फिर त वर्ग, त थ ड ध न। और फिर प वर्ग, प वर्ग क्या है, प फ ब भ म। तो ये अपने 5 वर्ग हो गए और 25 वर्ण हो गए। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि इनके उच्चारण स्थान। ये जो 5 वर्ग है ना, इनका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान मतलब कहाँ से प्रोनाउंस हो रहे, वो सेम है। जैसे भी क वर्ग का है कंठ, एक्चुअली इसका सूत्र भी आता है, जैसे इसका सूत्र है, हम लोग सूत्र देखो, सूत्र हम लोग आगे आगे याद करेंगे, अभी मैं बस आइडिया देने का बता रहा हूँ। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ करके सूत्र होता है। तो वो सूत्र में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे, वो सूत्र हमको बताता है कि कंठ से प्रोनाउंस होता है, थ्रोट से प्रोनाउंस होता है। अब क ख ख ग घ अंग, आप ना ख बोल के देखो, ख ख अपने ना ऐसे थ्रोट पे हाथ रखो। ठीक है, वॉइस ना एडम्स एप्पल की तरह से हाथ रखेंगे ना, और ख बोलो, ख ख ख ख, आप फील करोगे कि वो वर्ड वहाँ से प्रोनाउंस होता है, वहाँ पे थोड़ा वाइब्रेशन होता है, ख ख। ठीक है, ख, अब बोलो ना, आप आईने में जाके सामने देख के करोगे ना, तो आप कभी भूलोगे नहीं कि उसका उच्चारण स्थान कंठ से आ रहा है। ख ग घ क, तो क ख ग घ अंग वाला वो। ठीक है, तो ये क्या है, क ख ग घ अंग, ये क वर्ग हो गया। फिर जो च वर्ग है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, श्लोक है इचु यशानाम तालु, जो बेसिकली हार्ट पैलेट है ना, च छ ज झ। तो देखो जो जबान अपनी है च च च, वो देखो वो हार्ट पैलेट को जाकर टच करती है, च छ ज
देखो जबान दादा, अभी आप आगे जबान को सिर्फ आगे टच करके बोलने की कोशिश करो, च नहीं बोल पाओगे ऐसा। च जबान को बगैर हिलाए च बोलने की कोशिश करो, जबान को पकड़ गया क्यों यही बोल ही नहीं सकते, ठीक है। च छ तो वो क्या है, तालव है, इचुएशन नाम तालु, हार्ड पल जो अपना, देखो ईवुला रहता है, ईवुला पीछे रहता है, देखो देखो अपने ऐसे टंग माउथ बक्कल कैविटी में ऐसा यूला रहता है, उसके आगे अपना सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट रहता है। हाँ तो इचु यशा नाम तालु, जो च वर्ग अपने हार्ड पैलेट से आता है, तालव्य, ठीक है। तो च ठीक है, उसके बाद अगला है ट वर्ग, तो ट वर्ग क्या है, ट ठ ड ढ न, ट ठ ड ढ न ठ, देखो ट, इसमें अपने को टंग ना रोल करनी पड़ रही है और अपने को पीछे जाकर सॉफ्ट पैर को टच करना पड़ रहा है, ट ट ट, देखो आईने में देखो आपकी टंग पूरी फोल्ड हो रही होगी, ट ठ ट ठ ड न, ठीक है। तो ट ठ, इसका श्लोक क्या है, रूटु रशाना मूर्धा मूर्धा। अभी एक्चुअली में संस्कृत का जो वर्ड मूर्धा है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, जो मूर्धा है, मूर्धा का मतलब हेड भी होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। तो ट ठ ड, देखो टंग यहाँ पे लिखा है, देखो टंग रोल होती है और पीछे, तो ट ठ ड ढ न, ठीक है। उसके बाद अगला है त वर्ग, तो त वर्ग है त ठ ड ढ न, ठीक है। तभी त वर्ग क्या है, ये तीत को टच करता है, लुतु लसानाम दंत, इसका श्लोक है, लुतु लसानाम दंत। तो वर क्या है, तीत को, तो काफी जबान है ना, तो ये तीत को टच कर रही है, तो बोलते टाइम पे देखो, तो थ द ध न, वो जबान को टच करते, इसका उच्चारण स्थल सबसे इम्पोर्टेंट है। और प वर्ग तो सबसे ईजी है, प फ ब भ म, प फ ब, देखो आपको जो दोनों टंग बोल रहे हो, दो क्या है अपने पास, अपने लिप्स, ओष्ठ वो जिसको टच कर रहे हैं, तो लिप्स, तो प फ ब भ म, प देखो प फ, देखो ये सब उच्चारण स्थान ना आप आईने में देख के करो ना, आपको इजीली समझ में आएगा, आप क ख ग देखो आपको समझ में आएगा कि वो कंठ में जा रहा है, वहाँ पे हाथ रखो थ्रोट पे, इचुएशन नाम तालु, तालु च छ ज, ठीक है, ये यहाँ पे टच हो रहा है। फिर ट ठ में आपको जबान आपकी रोल होते हुए दिखेगी, त वर्ग में आपका जबान तीत को टच करेगी, उसको हम लोग लुतु लसा नाम दंत उसका श्लोक है। और प वर्ग का उपु पध्य मानिया नाम ओष्ठ, प फ ब भ म, आपको समझ में आएगा, एकदम इजी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये अपने 5 वर्ग हो गए, उसके 25 वर्ण हो गए, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ उच्चारण स्थान ध्यान रखना है, ओष्ठ लिप्स को बोलते हैं, दंत टीथ को बोलते हैं, इतना आपको पता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने 25 वर्ण, 5 वर्ग, उसके अलावा इसमें और 2 वर्ग होते हैं, वर्ग नहीं बोलता हूँ उसको, लेकिन चार चार के ग्रुप रहता है, उसको बोलते हैं अंतस्थ और उष्मना। जो अंतस्थ है ना, अंतस्थ अंतस्थ वर्ड में ही देखो, अंतस्थ मतलब जो हम लोग ब्रीथ इन कर रहे हैं, इसमें अंतस्थ अंतस्थ वर्ड का मीनिंग भी होता है, अंत अंतस्थ अंदर जो जा रहा है, उष्मना ब्रीथिंग आउट, उष्मा जिसमें उष्मा ब्रीथ आउट कर रहे हैं, देखो हम लोग कोल्ड एयर को इनहेल करते हैं और हम जब एयर को बाहर फेंकते हैं तो हम लोग उसमें एक्सहेल हॉट एयर करते हैं, ठीक है। जो एयर थोड़ी हॉट एयर नहीं, वार्म एयर, ठीक है। तो उष्मना मतलब वार्म, और क्या है उसमें, उष्मा मतलब हॉटनेस ही होता है, तो वार्म, ठीक है, और एक्सहेल करते हैं, ठीक है। और जो अंतस्थ है वो अंदर ले रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 रहते हैं अंतस्थ, य र ल व, य र ल व, और श श स ह। एक काम करने का, जो आईना है ना उसके एकदम क्लोज होके श बोलो, श श स ह, या हाथ जो है ना हाथ उसको तो मुंह पे एकदम पास ले लो और बोलो श श स ह। आप ना अपनी हॉट ब्रीथ को ना अपने पाम पे फील कर पाओगे, श श एक बार करके देखो। देखो संस्कृत ना लैंग्वेज अपन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, अपन एक्टिविटी नहीं करेंगे तब तक अपने को नहीं समझ में आएगा,
तो आप करोगे ना? तो देखो अभी वैसे भी आप सब लोग वीडियो ही देख रहे, सब लोग घर पे ही है, तो हाथ करीब लेके सब बोल रहा हूँ एक्टिविटी से करते जाओ, तो आप लोगों ना इंटरेस्ट भी आएगा। और हम लोग जब कैसा रहता है, एक रहती है हमारी सुनने की मेमोरी, एक हमारी देखने की मेमोरी, और जब हम लोग कुछ काम करते तो उसकी मेमोरी भी अलग रहती है। तो जितनी ज़्यादा हम लोग हमारे ऑर्गन्स यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा अपनी मेमोरी बिल्ड होती है, ठीक है? तो हम लोग इतना करते हैं। अभी ये जो पांच वर्ग है और अंतस्थ उष्मना, ये सात जो है वो हमको मतलब देखो, ये 25 और ये 8, 25 प्लस 8 कितना होता है 33। ये 33 व्यंजन अपने को दिखेंगे महेश्वर सूत्र में, तो अपन अभी महेश्वर सूत्र करेंगे, बाकी क्या इजी एकदम, ठीक है? आराम आराम से करेंगे तो हो जाएगा महेश्वर सूत्र, ठीक है? देखो संज्ञा प्रकरण, ठीक है? देखो अभी यहाँ पर मैंने लिख के रखे क वर्ग क ख ग ञ कंठव्य, फिर च वर्ग च छ ज झ ञ तालु, फिर ट ठ ड न मूर्धा, फिर त थ द न दंत, फिर प फ ब भ म ओष्ट, फिर यर ल व अंतस्थ और श श स उष्मना, ठीक है? अभी हम लोग ये देखो महेश्वर सूत्र करेंगे। तो देखो सबसे पहले महेश्वर सूत्र में शुरू होता है ह य व र। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो लास्ट रहता है ना महेश्वर सूत्र में, उसको पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है? वो इत्संज्ञक होता है, तो लास्ट वाला पढ़ा नहीं जाता है, उसको काउंट भी नहीं किया जाता है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर ना, यहाँ पर मेरे ख्याल से चट त जो है वो लास्ट वाला आया नहीं है, वो मेरे ख्याल से प है वहाँ पर जो भी है लास्ट वाला, और ये और ये, ठीक है? तो उसको हम लोग पढ़ते नहीं है। ये मेरा जो लाइन है ना ख फ छ ट थ च ट त, उसके आगे शायद प या कुछ है, यहाँ पर हर इत वाला आया ही नहीं है पीडीएफ में, ठीक है? तो अभी देखो सबसे पहले ह य व र, ह य व र ये चार है, ठीक है? ह य व र और अगली लाइन देखो ल, तो ह तो उष्मना का है ना, ह उष्मना का लास्ट है, उष्मना का ह ह, तो सबसे पहले ह है उष्मना वाला, फिर य व र और ल, ठीक है? तो पहली दो लाइन ह य व र ट और ल न, तो ह य व र ट और ल न, तो ह य व र ल, मतलब ह क्या है उष्मना का लास्ट, तो जो लास्ट लेटर है ना, उस जो लास्ट लेटर है अपने व्यंजन का सबसे पहले वो आया है ह स्टार्ट करने को, और उसके बाद हमारा य व र ल आया है, ठीक है? य व र ल, ठीक है? बेसिकली उन्होंने व्यंजन स्टार्ट करने से पहले भी ह दिया है और व्यंजन एंड करते टाइम में भी ह दिया है, तो हम लोग ये पहला वाला ह अगर काउंट नहीं करेंगे ना तो भी चलेगा। देखो यहाँ पर ह य व र, फिर देखो 4 5, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 4 है तो 8 9 हो गया, फिर यहाँ पर 2 11, फिर यहाँ 3 14, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 तो 19, फिर यहाँ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, ठीक है? तो यहाँ पर ह जो है वो दो बार आया है, तो अपने को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अपन पहला वाला ह काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अपने को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे दो बार होता है ह य व र, तो ह य व र लिखे, फिर अगली लाइन पे ल न, तो ह य व र ट और ल न, तो सबसे पहले क्या है ह है, ह अपने को आना ही है, तो स्टार्टिंग विथ ह, फिर सबसे पहले क्या आएगा य व र ल, के क्या है अंतस्थ। देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते ना कभी, देखो हम लोग जब योगा करते हैं प्राणायाम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले पूरन करते हैं, हम लोग हवा को अंदर लेते, पूरन आरंभक और रेचन, सबसे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं हवा को अंदर, हम लोग ऑलवेज ब्रीथ इन फर्स्ट, तो य व र ल हम लोग क्या किए ब्रीथ इन किए, ठीक है? और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे महेश्वर सूत्र में ना, देखो सबसे पहले ह आया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे।